Hello friends, welcome to my channel AR Creation. Today we will learn and explore something new. So हमने image tag के लिए क्या किया था? हमने img लिखा, फिर इसके बाद एक attribute src लिखा, क्योंकि हमें source चाहिए था उस particular image का. So हमने उस particular image का source like copy image address लेके उसके अंदर डाल दिया था और इसको इजीली रन कर दिया था. तो बाकी हमारा लोड हो गया था और बाकी हमारा हमारी वेबसाइट पे आ गया था. सो हमने उसके बाद हाइट वेट इसका चेंज कर दिए थे. आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो अगर आपको देखना है हाइट वेट, हाइट और विथ कैसे चेंज करनी है. लेकिन एक चीज और हम मेंशन कर सकते हैं, अगर हमने इंफॉर्मेशन डालनी है कि ये इमेज हमने किस चीज की डाली है, क्योंकि समटाइम्स हम लिंक ले आते हैं, अब लिंक से पता नहीं चल रहा कि ये लिंक किस पर्टिकुलर चीज का है. तो अगर हमें इंफॉर्मेशन डालनी है तो हम जा सकते हैं कैरेक्टर इमेज ऑफ बाकी. सो हम डाल सकते हैं, लेकिन ये यूजर एंड जो हमारी वेबसाइट चला रहा है उसको नहीं दिखेगा. लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए या जिसको इन्फॉर्मेशन जाननी है उस जो कोड लिख रहा है उसके लिए इजीली हो जाता है कि वो लिंक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल सके. सो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा. सो इस तरीके से हम ये ऑल्ट नाम का भी चीज यूज कर सकते हैं. सो उसके बाद हमने अगर ये टैग आईएमजी का बंद भी कर दो, लेकिन आईएमजी का टैग नॉर्मल टैग की तरह नहीं बंद होता, जैसे टाइटल का हो रहा है, टाइटल स्टार हो रहा है और एक टाइटल का बैक स्लैश से बंद भी हो रहा है, वैसे आईएमजी का एक ओपन टैग ही होता है, क्लोज टैग नहीं होता. और भी बहुत टैग्स होते हैं जिसमें हमें क्लोज टैग नहीं लगाना पड़ता, हमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही लगाना होता है. तो वो भी हम देखेंगे जैसे हम आगे वाली वीडियोस पे मूव ऑन करेंगे. तो हमारा पर्पस क्या है, हम वीडियोस बनाए और स्लोली बनाए कि ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल आपको समझ आए, ताकि आप समझ सको. सो ये फालतू बातों को हम इग्नोर फिर से करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है और सीखना हमें ज़्यादा है. 18-20 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सीखना है. सो पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं. पैराग्राफ टैग ले लिया हमने, उसमें कुछ भी लिख दो. आई एम वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमोन ट्रेनर. सो मेरी लिखी हुई सारी बातें यूजर लग रही है, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो लिखना है एटलीस्ट. आई एम वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमोन ट्रेनर, तो मैंने ये लिख दिया. अब इसमें क्या करें हम एक्स्ट्रा, तो अगर हमने एक टाइटल नाम का एट्रीब्यूट बनाया. सो एट्रीब्यूट मैं मेंशन कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता नहीं रहा डिटेल में, क्योंकि वही फिर से थ्योरेटिकल बात हो जाएगी, पर्पस ही नहीं होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करना है. तो आप प्रैक्टिकल लेके चलो कि कैसे कैसे जितने हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे चल रहे हैं. तो हमने एट्रीब्यूट में बेस्ट लिख दिया, हमने एक बेस्ट लिख दिया जो हमारी लाइन में वर्ड था. हम इसे रन करें तो एक लाइन आ जाएगी, इमेज हमारी चली चुकी है क्योंकि आईएमजी टैग हमने रिमूव कर दिया. तो हमारी लाइन आ जाएगी और लाइन के ऊपर ना आप जूम करके देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको बेस्ट दिख रहा होगा. तो बेस्ट नाम का एक टैग बन जाता है, एक बटन सा बन जाता है जो आप देख सकते हो. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, तो मैंने एएम के ऊपर लगा रखा है, तो एक बेस्ट नाम का टैग नीचे दिख गया. तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट काम करता है, और हम जैसे जैसे फर्दर वीडियोज देखेंगे तो ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे. अब हमने नेक्स्ट क्या सीखना है. सो हमें नेक्स्ट सीखना है कि पैराग्राफ के अंदर लाइंस जो लिखते हैं, लाइक पैराग्राफ लेते हैं पी और एक और पैराग्राफ स्लाइसिंग पी नाम का. ठीक है, सो अगर मैं लिखूं यहां पे दिस इज फर्स्ट लाइन 9, तो फिर दिस इज सेकेंड लाइन 9, दिस इज माय लाइन. तो मतलब तीन लाइनें लिख दी हैं मैंने जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी तीन लाइनें मैंने लिख दी है पैराग्राफ के टैग के अंदर. लेकिन एक चीज आप अगर आप नोटिस करो, और मैं लिंक रन करता हूँ कोड, ये पर्टिकुलर कंपाइलर उसे फिर सीधी की सीधी लाइन में मेंशन कर रहा है
चेंज नहीं कर रहा लाइन, सीधी लाइन में आपको क्या कहते हैं पैराग्राफ टैग वेबसाइट पे लिख के दे देगा, लेकिन हमें सीधी लाइन में तो चाहिए नहीं। हमारा पर्पस ये है कि हमें वेबसाइट में टेक्स्ट ऐसे लिखना है कि वो ज्यादा ज्यादा यूजर जो व्यू करे उसे अच्छा लगे दिखने में, तो सीधी लाइनों में तो कौन ही पढ़ता है, या हमें पैटर्न वाइज लिखना पड़ता है। तो हमें अब लाइन को मल्टीपल लाइन में लिखना है, तो वो कैसे करें? तो इसका बेस्ट वे है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक सिंगल वे नहीं है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा वे यूज करना पसंद है। तो एक बी आर टैग होता है, तो बी आर टैग मीन्स ब्रेक लाइन टैग। तो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन के बाद बी आर टैग लगा दिया तो देखते हैं क्या होता है। सो पैराग्राफ मैंने बी आर टैग लगा दिया एक लाइन के बाद, तो अब देखते हैं क्या होता है। और रिमेम्बर दिस थिंग कि बी आर टैग को भी क्लोज नहीं करना होता, ये भी एक सिंगल टैग की तरह वर्क करता है। अगर मैं रन करूँ तो दिस इज फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन बी आर टैग के नीचे चलेगी है। लेकिन घूम फिरा के पता है चक्कर के कोडिंग का ये है कि मल्टीपल वेज है, और वेज के भी ऐसे वेज हैं कि उसमें से भी आप ना शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो, कि आप इजी उठाना चाहते हो, कि आप कान को मतलब दूसरी साइड से घुमा के पकड़ना चाहते हो कि क्या है। तो सीधा सीधा रास्ता ना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको लेजी कोडर बनना है, तो आपको सीधी सीधी चीजें करनी चाहिए जो आपका टाइम कम ले और काम ज्यादा करके दे। तो रेदर देन पैराग्राफ टैग यूज करो, आप पी आर ई टैग यूज कर लो, वो भी पैराग्राफ लिखने में मदद देता है। लेकिन उसकी बेस्ट पार्ट है कि वो वैसे ही लिख देगा पैराग्राफ जैसे आप चाहते हो। दिस इज फर्स्ट लाइन, ओके, इसके बाद दिस इज सेकेंड लाइन, अगर आप कोमा लगाना चाहते हो दिस इज थर्ड लाइन। सो पी आर ई टैग को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि क्लोजिंग तो एच टी एम एल में भगवान है। अगर हम इसे क्लोज करें तो आप देख सकते हो कि अब हमारी लाइनें उस पर्टिकुलर पैटर्न से प्रिंट हो रही हैं चीजें जिस पर्टिकुलर पैटर्न से आपने लिखी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको हर जगह जाके बी आर टैग एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा हर लाइन में। और इसकी खास बात हो रहा है कि स्पेसिंग भी ये देख लेती है, अगर मैं एक लाइन को पीछे करके बाकी को आगे करूं तो वैसे ही प्रिंट होगा। तो मतलब अगर आपको स्पेसिंग अपने मुताबिक करनी है, पैटर्न रखना है, ट्रायंगल बनाने हैं लाइनों में, तो ना ये टैग ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो बाकी एट द एंड ऑफ द डे कोडिंग पर्सनल चॉइस होती है, हर बंदे का पर्सनल टच होता है कोडिंग में कि वो कैसे करना चाहता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मेरा तो यही है कि मैं आपको बेसिक समझा सकूंगी कैसी चीजें आराम से हो सकती है। अभी 5-6 मिनट निकल चुके हैं, 8 मिनट की वीडियो बनानी है मैंने। ये पी आर को भी रिमूव कर दिया मैंने, और आगे क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, एक एच आर टैग यूज करते हैं। तो अगर आपने एक लाइन के नीचे एक होरिजोनटल लाइन डालनी है, एक पर्टिकुलर लाइन के नीचे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं हर लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ। ओ एच आर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, तो अब हर पर्टिकुलर लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। Thank you for watching. Please subscribe, share and like my videos. Also hit the bell icon for new updates from AR Creation.